इस वीडियो के अंदर दोस्तों आप लोगों को बताया जाएगा बैंक निफ्टी का एनालिसिस फॉर 18 अगस्त 2023, साथ ही साथ निफ्टी का एनालिसिस फॉर 18 अगस्त 2023। वीडियो को अंत तक देखते रहिए। इस वीडियो के अंदर आपको ड्रिल डाउन करके एनालिसिस बताऊंगा बैंक निफ्टी हम लोग कैसे एनालिसिस करते हैं, कैसे आप लोगों को कॉल वगैरह प्रोवाइड किया जाता है एजुकेशनल पर्पज के लिए, सारे डिटेल्स इस वीडियो के अंदर बिल्कुल बताऊंगा, और कैसे साइकोलॉजी आपका मेंटेन करना पड़ता है, रिस्क रिवॉर्ड कैसे मेंटेन करना पड़ता है वो भी आप लोगों को बताऊंगा, कैसे आपको ऑप्शन ट्रेडिंग क्लीन वे में करना है, कोई गार्बेज जगह में नहीं आपको जाना है, बहुत ठंडा दिमाग से कैसे करना है इस वीडियो के अंदर बिल्कुल बताऊंगा। चलिए वीडियो को अंत तक देखते रहिए। देखिए हम लोग ज्यादा से ज्यादा टाइम क्या करते हैं पता है, हम लोग ज्यादा से ज्यादा टाइम गर्वेज जोन जो बोल जिसको बोला जाता है कि रेंज बाउंड जोन के अंदर हम लोग फंस जाता है और प्रीमियम डी के कारण हम लोग का लॉस ज्यादा होता है। लेकिन हम लोग क्या करेंगे एनालिसिस करने के लिए, ध्यान में देखिए जो भी हम लोग एनालिसिस करेंगे सबसे पहले हम लोग जो करेंगे वो चला जाएंगे सबसे पहले डे टाइम फ्रेम में। ध्यान में रखिए डे टाइम फ्रेम में हम लोग एनालिसिस करने के लिए सबसे पहले चला जाएंगे राइट। अभी डे टाइम फ्रेम में आपको क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पर आपको एक हेड एंड शोल्डर टाइप का पैटर्न दिखा रहा था, तो वो हेड एंड शोल्डर टाइप का पैटर्न का जो था वो ब्रेकडाउन हो गया है। ध्यान में रखिए ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न जो था इसका नेकलाइन जो था ये नेकलाइन जो है कहीं ना कहीं ब्रेक डाउन हो चुका है। ध्यान में रखिए ये ब्रेक डाउन हो चुका है, डे टाइम फ्रेम का मैं एनालिसिस कर रहा हूँ। ये ब्रेक डाउन होने के बाद ये ब्रेकडाउन हुआ, ब्रेकडाउन होने के बाद ऊपर पे जाके रेंज बनाया, बनाने के बाद फिर यहाँ पर क्या हुआ, फिर ये प्रॉपर डाउन ट्रेंड आपको दिखाया। ध्यान में देखिए प्रॉपर डाउन ट्रेंड दिखाया, तो यहाँ पर जो सिनेरियो बन के आ रहा है ये जो नेकलाइन है इसका नेकलाइन का ये क्या है, ये वाला लेवल है। ये कौन सा लेवल, ये है 44,000, नोट कर लीजिए 44,600 का जो लेवल है, यानी 44,580 से लेके 600 के आसपास तक जो लेवल है वो लेवल आप लोगों के लिए एक रेसिस्टेंट का, स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंट का काम करेगा। ध्यान में रखिए अभी यहाँ पर कुछ ट्रैप वगैरह बन सकते हैं। देखिए ज्यादा से ज्यादा लोग क्या आप लोगों को क्या दिखाएगा, क्या सिखाएगा कि ये जो लेवल है ये पहले क्या था, पहले ये सपोर्ट था, अभी ये सपोर्ट को क्या कर चुका है मार्केट ने, इसको तोड़ चुका है, अभी क्या बन गया, ये बन गया रेसिस्टेंट। ये मैक्सिमम 95% लोग जो कोर्स में पढ़ाया जाता है ज्यादा से ज्यादा लोग आप लोगों को यही बताएगा राइट। ध्यान में रखिए मैं जो चीज बोल रहा हूँ, लेकिन मार्केट एक्चुअली ऐसा करता नहीं है। अभी आप लोगों का दिमाग में आएगा तो क्या क्या करता है एग्जैक्टली, मार्केट जो काम आपको करके दिखाएगा, ट्रेंड तो आपका डाउन है लेकिन मार्केट क्या करेगा, हो सके मार्केट अगर ट्रेंड उसको डाउन रखना है तो वो क्या करेगा, दोनों को ट्रैप करेगा। ध्यान में देखिए वो क्या करेगा, वो पहले बुल को ट्रैप करेगा, बुल को ट्रैप करने के लिए उसको दिखाएगा मैं लो में ब्रेकआउट हो चुका, आओ मेरे को अभी बाय करो। जैसे आदमी लोग घुसेगा यहाँ पर बाय करने के लिए, ध्यान में रखिए जैसे यहाँ पर घुसेगा बाय करने के लिए सीधा एक बड़ा गैप डाउन ओपनिंग दे देगा, उसके बाद फिर उसका ट्रेंड जो है वो कंटिन्यू नीचे करेगा। ये जो होता है ट्रैप ट्रेडिंग का कंसेप्ट होता है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि इसका ऊपर ब्रेकआउट देने के बाद ये ऊपर नहीं जाएगा, हो सके ये ऊपर चला जाए, लेकिन अगर ये ट्रैप करना, क्योंकि मैक्सिमम लोगों को पता है कि ये लेवल ब्रेक करने के बाद ये ऊपर चला जाएगा, मैक्सिमम लोगों को पता है, लेकिन ऑपरेटर लोग इसका कुछ अलग करता है। बाय लोगों को बुलाएगा पहले यहाँ पर, क्या आओ मेरे को बाय करो, जैसे ही बाय करेगा उसका ऑर्डर जितना भी है 70% 80% फुलफिल होगा, उसके बाद वो नीचे ब्रेक डाउन कर जाएगा, ठीक है, क्योंकि उसका जो टारगेट है वो ऑर्डर लेने का है राइट। तो ऑर्डर ले लेगा, यानी सेलिंग ऑर्डर ले लेगा, सेलिंग ऑर्डर फुलफिलमेंट हो जाएगा, उसके बाद वो फिर नीचे उसका जो ट्रेंड है वो कंटिन्यू करेगा। ये ध्यान में रखिए, तो इसके लिए आपको क्या करके चलना है, ध्यान में रखिए इसके लिए आपको क्या करके चलना है, इसके लिए आपको जो करके चलना है वो मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, बस सिंपली ये जो डे टाइम फ्रेम देख रहा है यहाँ पर मैं एक ट्रिक आपको बता दे रहा हूँ। ध्यान में रखिए ट्रिक आपको मैं बता दे रहा हूँ, यहाँ पर इसको मैं ये रिमूव कर दे रहा हूँ। देखिए एग्जैक्टली जो है मार्केट वही करेगा। ध्यान में रखिए अगर बुलिश व्यू आपको बनाना है तो उधर कहाँ पर हेड एंड शोल्डर बन रहा है, क्या बन रहा है, वो सबसे आपको लेना देना नहीं है। जो सीक्रेट सा चीजें हैं जो आपको करना है जिसमें आपको बड़ा फायदा मिलेगा वो सिर्फ देखते रहिए। देखिए एक बेसिक प्राइस एक्शन का चीज है आपको बता रहा हूँ, एनालिसिस तो इसका अंदर ही हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अभी देखिए यहाँ पर क्या है कि ये जो प्राइस एक्शन बन रहा है, यहाँ से प्राइस एक्शन जो बना देगा किसी का जो यहाँ पर हायर लो दिख रहा है, हायर लो किसी का ब्रेक नहीं किया, ब्रेक नहीं किया, ब्रेक नहीं किया राइट, ब्रेक नहीं किया। अल्टीमेटली देखिए 1 2 1 2 ये इसका अंदर है, अंदर को हम लोग काउंट नहीं करते हैं, 1 2 उसके बाद 3 मतलब ये जो है ये सही है, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद ये देखिए इसका हाई ब्रेक नहीं किया, ये 3 4 5 6 कोई भी किसी का हाई को ब्रेक नहीं है, हायर लो को ब्रेक नहीं कर रहा है, हायर को ब्रेक नहीं कर रहा है, लो हायर लो जो बन रहा है उसका हाई को ब्रेक नहीं कर रहा है, तो ट्रेंड डाउन है, ट्रेंड डाउन है, यहाँ पर आपको घुसना नहीं है। यानी मान लीजिए आप 4 जुलाई से लेके ये आप एंट्री नहीं कर रहे, 4 जुलाई तक आप एंट्री नहीं कर रहे, आपके पास फंड है तो फंड को आप जमा करके रखिए, कोई दिक्कत नहीं है, मार्केट आपको डेफिनेटली एंट्री देगा भाई, ये बहुत बड़ा पैसा आपको देगा। आपको जब एंट्री लेना है भाई लो तो बड़ा पैसा लो, क्यों छोड़ो।
यहाँ पर आपको मार्केट बहुत बड़ा एक मौका देगा, जो है कि यहाँ पर देखिए किसी का भी यहाँ पर जो हायर लो है, किसी का हाई को ब्रेक नहीं किया, मार्केट एक बार भी हाई को ब्रेक नहीं किया, अल्टीमेटली हाई को ब्रेक किया यहाँ पर देखिए, जैसे हाई को ब्रेक किया मार्केट पूरा का पूरा रॉकेट। तो आपको ये वाला जोन के लिए वेट करना है, यानी सी के लिए आपको वेट करना है। जैसे ये वाला हाई को मार्केट ब्रेक करे तो आपको क्या करना पड़ेगा, नेक्स्ट वीक का आपका इन द मनी या एटीएम का आपका बड़ा क्वांटिटी से फंड लगाना है। क्यों लगाना है भाई, टीआरएस हो गया है, टीआरएस सक्सेसफुल, TRS यानी ट्रेंड रिवर्सल स्ट्रेटजी, ट्रेंड रिवर्सल जो फॉर्मूला है वो सक्सेसफुल हो गया, बड़ा टाइम फ्रेम यानी HTF हायर टाइम फ्रेम में ये सक्सेसफुल हो तो ये धोखा आपको नहीं दे सकता, ये ऐसा ट्रैप वगैरह नहीं कर सकता। वन आवर का टाइम फ्रेम जो होता है ये भी ट्रैप बहुत कम होता है, ध्यान में रखिए ट्रैप बहुत ही कम होता है। तो यहाँ से आपको एक बड़ा प्रॉफिट देखने को मिलेगा, प्रॉफिट भी काउंट यहाँ से यहाँ तक, इसका इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बना के रखा हुआ, आप जाके देख सकता है, जिस वीडियो का जो स्ट्रेटजी या फॉर्मूला है उसका नाम है ट्रेंड रिवर्सल फॉर्मूला, ट्रेंड रिवर्सल फॉर्मूला बोल के एक मेरा वीडियो है अलग से, वो जाके देखिए आपको आराम से पता चल जाएगा क्या है। तो अभी चलिए अभी हम लोग एनालिसिस कर लेते हैं, पहले वन आवर का टाइम फ्रेम एनालिसिस करते हैं। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर भी जो सेम चीजें हो रहा है, किसी का हाई को हायर लो जो बना रहा है, किसी का हाई को नहीं तोड़ रहा, हाई को नहीं तोड़ रहा, देखिए हाई बना रहा है, हायर लो जो बना रहा है, किसी का हाई को नहीं तोड़ रहा, हाई को नहीं तोड़ रहा, हाई को नहीं तोड़ रहा, राइट। तो यहाँ पर जो लास्ट स्विंग हाई बनाया कौन सा, हम लोग तब तक यहाँ पर बुलिश नहीं होंगे भाई तब तक, क्योंकि मे भी फिर आप लोग बोलेंगे भाई आप बोल रहे इसके ऊपर बाय करें, लेकिन फिर आप ग्रुप में क्या कर रहे हो, बुलिश दे रहे हो भाई। वो चीज सीखने के लिए आपको एक्सपर्ट बनना पड़ेगा, एफआई का और ट्रैप वगैरह चीज होता है, वो चीज दिमाग में हम लोग सोच के हम लोग कॉल वगैरह देते, तो कैसे कॉल्स वगैरह जनरेट करता है देता है, उसके लिए डेफिनेटली गो दोस्तों आपका मेरा एडवांस ऑप्शन ट्रेडिंग का कोर्स को ज्वाइन करना पड़ेगा, जहां पर आपको मैं VVPA मेरा फेवरेट VVPA फॉर्मूला, ट्रैप ट्रेडिंग यानी SNC, स्मार्ट मनी कंसेप्ट, इंड्यूसमेंट क्या होता है, लिक्विडिटी क्या होता है, सारी कुछ चीजें आपको सिखाऊंगा। बहुत बड़ा मतलब चीज आपको सीखने को मिलेगा जो लाखों में बिकते हैं, ये चीज आपको बहुत कम में मिलेगा। और डिटेल्स जानने के लिए आप मेरे को व्हाट्सअप कर दीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे डिटेल्स आपको मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जैसे आप मेरे को कॉन्टैक्ट कीजिए। चलिए अभी यहाँ पर वन आवर का टाइम फ्रेम में हम लोग का जो बुलिश व्यू बन रहा है वो है कि नोट कर लीजिए 44,100 के मार्केट ऊपर जैसे ही जाने वाला जाएगा आपको तगड़ा अपसाइड मोमेंटम देखने को मिलेगा। कितना पॉइंट का मोमेंटम देखने को मिलेगा नोट कर लीजिए, इतना पॉइंट का मोमेंटम देखने को आपको मिलेगा, ये नोट कर लीजिए कितना पॉइंट का, आपको मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं। देखिए यहां पर आपको इतना पॉइंट का मोमेंटम देखने को मिलेगा, ये जो इतना जो आपको देखने को मिल रहा है, राइट, ये जो आपको जो ट्रेंड देखने को मिल रहा है मिनिमम, ये बता रहा हूं आपको, मैं मिनिमम बता रहा हूं, ये इतना पॉइंट आपको देखने को मिलेगा 500 पॉइंट, नोट कर लीजिए। अगर 44,100 का लेवल ब्रेक कर दिया, ध्यान में रखिए 44,100 का लेवल ब्रेक कर दिया तो 500 पॉइंट का आपको अपसाइड मोमेंटम देखने को मार्केट में मिलेगा, ये नोट कर लीजिए, लिख लीजिए ये चीजें। कहां तक देखने को मिलेगा, लगभग आपको 44,600, जहां से मार्केट एक बार रिवर्स कर सकता है, थोड़ा बहुत रिवर्स कर सकता है, अगर उसको ऊपर जाने का मोमेंटम होगा तो डेफिनेटली वो वहां पर जाके थोड़ा बहुत नीचे आके फिर वहां पर साइडवेज होकर फिर ब्रेकआउट दे सकता है, अगर उसका ऊपर जाने का मोटिव है तो, प्रोबेबिलिटी का मैं बात कर रहा हूं, राइट। तो इतना पॉइंट का आपको मोमेंटम दे सकता है, ध्यान में रखिए पूरा का पूरा सारे कुछ रेडी रखिए, जैसे इस लेवल को तोड़ेगा, क्योंकि हायर टाइम फ्रेम में टेस्टेड है, जैसे इस लेवल को तोड़ेगा तो एक रॉकेट बनेगा, ये ध्यान में रखिए, मैं बार बार बोल रहा हूं रॉकेट बनेगा, 500 पॉइंट का आपको गाइस यहां पर मोमेंटम देगा। तो बी पेशेंस, ऐसा नहीं कि हर टाइम आप बाय सेल करते रहिए, ऐसा बकवास चीज मत कीजिए, क्योंकि यहाँ पर मार्केट को बेवकूफ बना देगा। तो सबसे बेटर रहेगा महीने में 2-3 ट्रेड मिले, लेकिन क्वालिटी ट्रेड मिले, तो वहां पर ज्यादा क्वांटिटी में ट्रेड करने के लिए डेफिनेटली आप कॉन्फिडेंस ले सकते हैं, ठीक है, मतलब कॉन्फिडेंस आपको मिलेगा। तो ये बता दिया आपको। अच्छा अभी आ जाते हैं हम लोग बीआरएस, जो अभी जो मार्केट का जो सेंटीमेंट है वो बीआरएस व्यू में आप लोग आ जाते हैं, राइट। बीआरएस व्यू में देखिए यहाँ पर क्या कर रहा है मार्केट, एक्जैक्टली लो वालो बना रहा है, लेकिन यहाँ पर कुछ एक इंटरेस्टिंग ट्विस्ट किया है मार्केट ने, ध्यान से देखिए, क्योंकि यहाँ पर मार्केट एक टीआरएस दे सकता है, यानी ट्रेंड रिवर्सल फॉर्मूला, ट्रेंड रिवर्सल स्ट्रेटजी जो हम लोग का है वो दे सकता है। वो क्या, वो मार्केट आपको खुद जो प्राइस एक्शन है उसको रीड करना सीखिए, महसूस करना सीखिए, तभी आप मार्केट में टिक पाएंगे। देखिए यहाँ पर मार्केट ने क्या किया, एक लो बनाया, राइट, उसके बाद मार्केट फिर यहाँ पर साइडवेज हो गया, फिर मार्केट ने एक नया लो बनाया, ध्यान में रखिए मार्केट ने एक नया लो बनाया, राइट। तो नया जो लो बनाया, नया लो बनाने के लिए कौन ब्लेम है, ये है, ये नया लो बनाने के लिए ये पावर दिया। 44,700 का जो लेवल है ये डेफिनेटली एक बड़ा लेवल है मार्केट में, क्या बताया, इस लेवल को मार्केट जैसे ब्रेकआउट करेगा तगड़ा, आपको यहाँ पर 44,650 से लेके 700 के आसपास तक जाने को देखने को आपको मिल सकता है, ठीक है। इस लेवल से यहाँ पर एक PRS हो सकता है, यहाँ से मार्केट एक बार नीचे आ सकता है, थोड़ा रिट्रेस लेने के लिए नीचे आ सकता है, उसके बाद ऊपर जाने का मोटिव था अगर रहेगा तो डेफिनेटली ऊपर जाएगा साइडवेज होने के बाद, कंसोलिडेट होने के बाद, राइट। तो यहाँ पर जो हम लोग का है, यहाँ पर एक लो बनाया, राइट, इसके बाद यहाँ पर एक लो बनाया, ओके, यहाँ पर एक लो बनाया, उसके बाद फिर एक लो बनाया, नया बनाया, तो यहाँ पर मार्केट जो है एक लो बनाने के बाद दो लो बना दिया, राइट। अच्छा अभी मार्केट को अगर ट्रेंड को उसको डाउन करना है तो भाई तुम ये वाला क्यों आप दिखाया, ये डाउन करो, यहाँ से ये हम लोगों को सीखने को मिला है। आप शायद देखा होगा, मैं कल ग्रुप में
तो यहाँ पर देखिए, अगर उसको अगर डाउन में सच में देखिए, प्राइस एक्शंस ऐसे काम करता है, ऐसा नहीं कि कोई भी एक लेवल में घुस गया, बाई कर लिया, सेल कर लिया, ये तो भाई बकवास का काम होता है। तो हम लोग पहले जब बिगिनर था, हम लोग ऐसे चीज़ करते थे, तो डेफिनेटली धीरे धीरे सब लोगों को धीरे धीरे आता है, एक्सपीरियंस का आता है। तो प्राइस एक्शंस को मैं सोचिए, देखिए अगर प्राइस को नीचे जाना था, अगर डाउन ही होना था उसको, तो यह बार जो लो दिया है, इसके बाद फिर ये एक नया लो बनाया, ठीक है, उसके बाद ये भी लो बनाया, ओके कोई दिक्कत नहीं, फिर इसके बाद यहाँ पर इसको लो बनाना चाहिए। अच्छा यहाँ पर भी ये अगर ध्यान में रखिए, यहाँ पर दो प्रोबेबिलिटी हो सकता है, ध्यान में रखिए यहाँ पर दो प्रोबेबिलिटी हो सकता है। ये जो सिनारियो बन रहा है, हो सके ये वाला जो सिनारियो है, ये वाला जो सीनारियो है, हो सके ये इस टाइप का सीनारियो बनाने की कुछ कोशिश कर रहा है। यानी ये जो लो बनाया है, लो बनाने के बाद यहाँ पर ये क्या हो गया, ये थोड़ा साइडवेज हो गया, ध्यान में रखिए साइडवेज हो गया, होने के बाद तक रहा एक नीचे साइड मोमेंटम दिया, एग्जैक्टली है डाउन मोमेंटम के लिए। तो यहाँ पर ये जो बन रहा है, क्या ये जो बन रहा है, क्या इसका टाइप बन रहा है, क्या ये जो बनाने का कोशिश कर रहा है, क्या एम पैटर्न बनने का कोशिश कर रहा है। यानी एम पैटर्न जो आपको, मैं जो बिगिनर है शायद उसको समझ में नहीं आएगा, इसके लिए मैं बार बार बोल रहा हूँ, आप लोग यहाँ पर कोर्स में ज्वाइन कर दिए ताकि आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है, बहुत सारे कुछ आपको सीखने को मिलेगा। देखिए क्या ये एम पैटर्न बनाने का कोशिश कर रहा है, क्या ऐसा तो नहीं कर रहा कि यहाँ पर जा रहा है, जाने के बाद ये फिर यहाँ से एक बड़ा नीचे साइड फॉल दे दे, ऐसा तो नहीं कर रहा है, ऐसा तो नहीं कर रहा है। अगर ऐसा, देखिए यहाँ पर दो प्रोबेबिलिटी, अगर ऐसा कर रहा है, ध्यान में रखिए अगर ऐसा कर रहा है, तो इस सिनेरियो में आपको मैं बताने का कोशिश करूंगा, 1 आवर का टाइम फ्रेम में जब तक मार्केट 44,100 के ऊपर ना ब्रेकआउट दे दे, यानी 44,100 के ऊपर कोई 1 आवर का कैंडल क्लोज ना दे, तब तक आप सीई का पोजिशन मत बनाइए, अदरवाइज अंदर उसके अंदर घुसेंगे तो बार बार ट्रैप हो जाएंगे सीई पी में, आपको पता नहीं चलेगा। अगर आप एक्सपर्ट है तो डिफरेंट चीज है, अगर आप बिगिनर है तो यहाँ पर आप गड़बड़ कर जाएंगे, लॉस करके बैठ जाएंगे, ये लिख लीजिए कहीं जगह में, लिख लीजिए ये चीज़ें, ठीक है। अच्छा, और अगर ऐसा कुछ सिनेरियो कर रहा है, यहाँ पर एम पैटर्न बना के ब्रेक डाउन देने का कोशिश कर रहा है, ध्यान में रखिए, तो आपको तब तक पी में एंट्री नहीं लेना है जब तक ये वाला लो को नहीं तरे, ध्यान में रखिए ये वाला लो को नहीं तरे। ये वाला कौन सा लो है, ये है 9, ये आपका लो कौन सा, 43,600। 43,600 का लो जब तक ब्रेक ना करे तब तक आप एंट्री मत लीजिए। अभी लॉजिक क्या है, लॉजिक है 43,600 में जितना सारा लोग बाई के लिए बैठा हुआ है, सारे के सारा लोगों का एसएल उसका नीचे होगा, 100 पॉइंट नीचे होगा, डेफिनेटली उसका थोड़ा नीचे होगा। तो उसका नीचे मार्केट जैसे जाना स्टार्ट करेगा, एक आपको पैनिक सेलिंग देखने को मिल सकता है डेफिनेटली। तो वहां पर मार्केट लगभग आपको 43,400 से लेकर 43,350 के आसपास तक जाने को देखने को मिल सकता है, ओके ये नोट कर लीजिए। तो पी का पोजिशन बनाना है, जैसे इसका लो ब्रेक करे तभी जाके आपका पी का पोजीशन बनाना है। यानी कौन सा लेवल है, ये है 43,600 का, जैसे ही मार्केट ब्रेक करे तो आप यहाँ पर एक पी का पोजीशन बना सकते हैं, यहाँ पर आपको एक तगड़ा नीचे साइड मोमेंटम देखने को मिलेगा, अच्छा खासा प्रॉफिट यहाँ पर आपको हो सकता है, ये ध्यान में रखिए। लेकिन ये जो सिनेरियो है, इसका अगर उल्टा हो गया तो, इसका अगर उल्टा हो गया तो ध्यान में रखिए तब क्या बनेगा, तब यहाँ पर जो बनेगा वो है कि ये वाला सिनेरियो बन सकता है। देखिए जैसे ही मार्केट इसका ऊपर चला गया, अगर एक बार इसका ऊपर चला गया मार्केट, तो वो क्या करेगा, वो हायर प्रोबेबिलिटी रहेगा वो इसका ऊपर जाने के बाद इसको डेफिनेटली इसको रिटेस्ट कर सकता है। अगर मान लीजिए ये एग्रेसिवली ऊपर चला गया तो एंट्री नहीं लेना, अगर रिटेस्ट करने आए तभी यहाँ पर आने के बाद यहाँ पर आप एंट्री ले सकते हैं। अदरवाइज जो सेफर ट्रेडर है वो ये जो एक बार जो हाई बनाया, हाई बनाने के बाद रिटेस्ट करने के बाद वो जो हाई, फर्स्ट जो हाई बनाया था उस हाई को जैसे ब्रेक करे तो तुरंत आप एंट्री ले सकता है, ठीक है। अदरवाइज जो एकदम मतलब जो रिस्की, नॉर्मल रिस्की प्लेयर है वो तो डेफिनेटली इसको ब्रेक करने के बाद ही एंट्री ली, क्योंकि देखिए मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है, रिस्क पिक्स का कोई मैटर नहीं है, इस लेवल को ब्रेक करने के बाद ही, मतलब इस लेवल के ऊपर 1 आवर का कैंडल क्लोज देने के बाद ही इसका हायर 95% प्रोबेबिलिटी रहेगा ये ऊपर जाने का। तो ये उसके बाद ये क्या सिनेरियो बना सकता है, उसके बाद ये ऐसा कुछ सिनेरियो बना सकता है, मतलब ऐसा जाने के बाद वो क्या कर सकते हैं, यहाँ से डायरेक्ट हायर मार के या कुछ साइडवेज होके यहाँ तक जा सकता है, ठीक है, ये 680 या 650 तक जा सकते हैं। उसके बाद थोड़ा बहुत आपका हैमर, इनवर्टेड हैमर या कुछ कैंडल देके हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन के नीचे आ सकता है, ऐसा कुछ सिनेरियो हो सकता है। लेकिन मतलब ये लेवल, ऊपर लेवल जो है वो लेवल अगर क्रॉस करें, 44,100 का लेवल 1 आवर का कैंडल उसका ऊपर जाके क्लोज देगा तो डेफिनेटली हाई 100 पॉइंट का पकड़ के रखिए। लेकिन इसका नीचे अगर आ जाएगा मार्केट तो मेरे हिसाब से जो है 43,350 तक मैं लास्ट एक्सपेक्टेड कर रहा हूँ, क्योंकि वहाँ पर बड़ा FII बैठा हुआ है। तो जब तक 43,350 के नीचे कोई वन डे का कैंडल क्लोज नहीं दे रहा तब तक प्योरली हम लोग बियरिश नहीं हो रहा, ये नोट करके कहीं जगह में रख दीजिए, राइट। तो बैंक के एनालिसिस उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया, 1 आवर का टाइम फ्रेम में बता रहे, देखिए 15 मिनट जो ये सब है, ये सब में ज़्यादा से ज़्यादा ट्रैप हो जाएंगे आप लोग, तो ये बड़ा चीज़ लेके चलिए, बड़ा काम में आएगा, राइट। अच्छा फिर भी मैं 15 मिनट के लिए आपको बता दे रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए 15 मिनट में जो है, 15 मिनट में क्या है, 15 मिनट में सेम सिनेरियो बन रहा है, जो सेम हाई बन रहा है, देखिए ये वाला हाई बन रहा है 44,085, वो 100 पकड़ के चलिए, ठीक है। अच्छा यहाँ पर जो,
तो यहाँ पर देखिए, अगर उसको अगर डाउन में सच में देखिए, प्राइस एक्शंस ऐसे काम करता है, ऐसा नहीं कि कोई में एक लेवल में घुस गया, बाई कर लिया, सेल कर लिया, यही तो भाई बकवास का काम होता है। क्योंकि हम लोग पहले जब बिगिनर था, हम लोग ऐसे चीज़ करते थे, तो डेफिनेटली धीरे धीरे सब लोगों को धीरे धीरे आता है, एक्सपीरियंस का आता है। तो प्राइस एक्शंस को मैसेज कीजिए, देखिए अगर प्राइस को नीचे जाना था, अगर डाउन ही होना था उसको, तो यह बार जो लो दिया है, इसके बाद फिर ये एक नया लो बनाया, ठीक है, उसके बाद ये भी लो बनाया, ओके कोई दिक्कत नहीं, फिर इसके बाद यहाँ पर इसको लो बनाना चाहिए। अच्छा, यहाँ पर भी ये अगर ध्यान में रखिए, यहाँ पर दो प्रोबेबिलिटी हो सकता है, ध्यान में रखिए यहाँ पर दो प्रोबेबिलिटी हो सकता है। ये जो सिनारियो बन रहा है, हो सके ये वाला जो सिनारियो है, ये वाला जो सीनारियो है, हो सके ये इस टाइप का सीनारियो बनाने की कुछ कोशिश कर रहा है। यानी ये जो लो बनाया है, लो बनाने के बाद यहाँ पर ये क्या हो गया, ये थोड़ा साइडवेज हो गया, ध्यान में रखिए साइडवेज हो गया, होने के बाद तक रहा एक नीचे साइड मोमेंटम दिया, एग्जैक्टली है डाउन मोमेंटम के लिए। तो यहाँ पर ये जो बन रहा है, क्या ये जो बन रहा है, क्या इसके टाइप बन रहा है, क्या ये जो बनाने का कोशिश कर रहा है, क्या एम पैटर्न बनने का कोशिश कर रहा है। यानी एम पैटर्न जो आपको, मैं जो बिगिनर है शायद उसको समझ में नहीं आएगा, इसके लिए मैं बार बार बोल रहा हूँ, आप लोग यहाँ पर कोर्स में ज्वाइन कर दिए ताकि आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है, बहुत सारे कुछ आपको सीखने को मिलेगा। देखिए क्या ये एम पैटर्न बनाने का कोशिश कर रहा है, क्या ऐसा तो नहीं कर रहा है कि यहाँ पर जा रहा है, जाने के बाद ये फिर यहाँ से एक बड़ा नीचे साइड फॉल दे दे, ऐसा तो नहीं कर रहा है, ऐसा तो नहीं कर रहा है। अगर ऐसा, देखिए यहाँ पर दो प्रोबेबिलिटी, अगर ऐसा कर रहा है, ध्यान में रखिए अगर ऐसा कर रहा है, तो इस सिनेरियो में आपको मैं बताने का कोशिश करूंगा, 1 आवर का टाइम फ्रेम में जब तक मार्केट 44,100 के ऊपर ना ब्रेकआउट दे दे, यानी 44,100 के ऊपर कोई 1 आवर का कैंडल क्लोज ना दे, तब तक आप सीई का पोजीशन मत बनाइए। अदरवाइज अंदर उसके अंदर घुसेंगे तो बार बार ट्रैप हो जाएंगे सीई पी में, आपको पता नहीं चलेगा। अगर आप एक्सपर्ट है तो डिफरेंट चीज है, अगर आप बिगिनर है तो यहाँ पर आप गड़बड़ कर जाएंगे, लॉस करके बैठ जाएंगे। ये लिख लीजिए कहीं जगह में, लिख लीजिए ये चीज, ठीक है। अच्छा, और अगर ऐसा कुछ सिनेरियो कर रहा है, यहाँ पर एम पैटर्न बना के ब्रेकडाउन देने का कोशिश कर रहा है, ध्यान में रखिए, तो आपको तब तक पी में एंट्री नहीं लेना है जब तक ये वाला लो को नहीं तरे, ध्यान में रखिए ये वाला लो को नहीं तरे। ये वाला कौन सा लो है, ये है 9, ये आपका लो कौन सा, 43,600। 43,600 का लो जब तक ब्रेक ना करे तब तक आप एंट्री मत लीजिए। अभी लॉजिक क्या है, लॉजिक है 43,600 में जितना सारा लोग बाई के लिए बैठा हुआ है, सारे के सारा लोगों का एसएल उसका नीचे होगा, 100 पॉइंट नीचे होगा, डेफिनेटली उसका थोड़ा नीचे होगा। तो उसका नीचे मार्केट जैसे जाना स्टार्ट करेगा, एक आपको पैनिक सेलिंग देखने को मिल सकता है डेफिनेटली। तो वहां पर मार्केट लगभग आपको 43,400 से लेकर 43,350 के आसपास तक जाने को देखने को मिल सकता है, ओके ये नोट कर लीजिए। तो पी का पोजिशन बनाना, जैसे इसका लो ब्रेक करे तभी जाके आपका पी का पोजीशन बनाना है। यानी कौन सा लेवल है ये, ये है 43,600 का। जैसे ही मार्केट ब्रेक करे तो आप यहाँ पर एक पी का पोजीशन बना सकते हैं, यहाँ पर आपको एक तगड़ा नीचे साइड मोमेंटम देखने को मिलेगा, अच्छा खासा प्रॉफिट यहाँ पर आपको हो सकता है, ये ध्यान में रखिए। लेकिन ये जो सिनेरियो है, इसका अगर उल्टा हो गया तो, इसका अगर उल्टा हो गया तो ध्यान में रखिए तब क्या बनेगा, तब यहाँ पर जो बनेगा वो है कि ये वाला सिनेरियो बन सकता है। देखिए जैसे ही मार्केट इसका ऊपर चला गया, अगर एक बार इसका ऊपर चला गया मार्केट, तो वो क्या करेगा, वो हायर प्रोबेबिलिटी रहेगा वो इसका ऊपर जाने के बाद इसको डेफिनेटली इसको रिटेस्ट कर सकता है। अगर मान लीजिए ये एग्रेसिवली ऊपर चला गया तो एंट्री नहीं लेना, अगर रिटेस्ट करने आए तभी यहाँ पर आने के बाद यहाँ पर आप एंट्री ले सकते हैं। अदरवाइज जो सेफर ट्रेडर है वो ये जो एक बार जो हाई बनाया, हाई बनाने के बाद रिटेस्ट करने के बाद वो जो हाई, फर्स्ट जो हाई बनाया था उस हाई को जैसे ब्रेक करे तो तुरंत आप एंट्री ले सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज जो एकदम मतलब जो रिस्की, नॉर्मल रिस्की प्लेयर है वो तो डेफिनेटली इसको ब्रेक करने के बाद ही एंट्री ली, क्योंकि देखिए मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है, रिस्क पिक्स का कोई मैटर नहीं है, इस लेवल को ब्रेक करने के बाद ही, मतलब इस लेवल के ऊपर 1 आवर का कैंडल क्लोज देने के बाद ही इसका हायर 95% प्रोबेबिलिटी रहेगा ये ऊपर जाने का। तो ये उसके बाद ये क्या सिनेरियो बना सकता है, उसके बाद ये ऐसा कुछ सिनेरियो बना सकता है, मतलब ऐसा जाने के बाद वो क्या कर सकते हैं, यहाँ से डायरेक्ट हायर मार के या कुछ साइड वाइज होके यहाँ तक जा सकता है, ठीक है, ये 680 या 650 तक जा सकते हैं। उसके बाद थोड़ा बहुत आपका हैमर, इनवर्टेड हैमर या कुछ कैंडल देके हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनकर नीचे आ सकता है, ऐसा कुछ सिनेरियो हो सकता है। लेकिन मतलब ये लेवल, ऊपर लेवल जो है वो लेवल अगर क्रॉस करें, 44,100 का लेवल 1 आवर का कैंडल उसका ऊपर जाकर क्लोज देगा, तो डेफिनेटली 500 पॉइंट का पकड़ के रखिए। लेकिन इसका नीचे अगर आ जाएगा मार्केट, तो मेरे हिसाब से जो है 43,350 तक मैं लास्ट एक्सपेक्टेड कर रहा हूँ, क्योंकि वहाँ पर बड़ा FII बैठा हुआ है। तो जब तक 43,350 के नीचे कोई वन डे का कैंडल क्लोज नहीं दे रहा है, तब तक प्योरली हम लोग बियरिश नहीं हो रहा, ये नोट करके कहीं जगह में रख दीजिए, राइट। तो बैंक की एनालिसिस उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया, 1 आवर का टाइम फ्रेम में बता रहे, 15 मिनट जो ये सब है, ये सब में ज़्यादा से ज़्यादा ट्रैप हो जाएंगे आप लोग, तो ये बड़ा चीज़ लेके चलिए, बड़ा काम में आएगा, राइट। अच्छा, फिर भी मैं 15 मिनट के लिए आपको बता दे रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए 15 मिनट में जो है, 15 मिनट में क्या है, 15 मिनट में सेम सिनेरियो बन रहा है, जो सेम हाई बन रहा है। देखिए ये वाला हाई बन रहा है 44,085, वो 100 पकड़ के चलिए, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर जो
देखिए अगर 15 मिनट का टाइम फ्रेम में अगर आप एनालिसिस करने आएंगे तो डेफिनेटली यहाँ पर भी आपको सेम सीनरी देखने को मिल रहा है। 15 मिनट का टाइम फ्रेम में आपको जो यहाँ पर दिखा रहे हैं पर लो बनाया हुआ है 43,600 का आसपास बना हुआ है, तो इस लेवल को नीचे को जैसे ही आप ब्रेक करें तब तक आपको यहाँ पर 42 व्यू नहीं बना, तब तक आपको 42 व्यू नहीं बनाना है। इसका नीचे जैसे ब्रेक करें तब आप जाके 42 व्यू बना सकते हैं, अदरवाइज नहीं, ठीक है। और इसका नीचे यानी 43,600 के नीचे 42 है हम लोग, और 44,100 के ऊपर हम लोग 19 है। उसका अंदर जो है चीज़ें उसमें मार्केट इधर उधर घूम सकता है, ट्रैप कर सकते हैं, ये वो कर सकते हैं, कोई भी चीज़ आपको कर सकते हैं, ये ध्यान में रखिए। तो यहाँ पर जो मैं एनालिसिस में जो देने वाला हूँ यहाँ पर गैम्बलिंग हो जाएगा, लॉजिकली गैम्बलिंग हो जाएगा, लेकिन 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 यहाँ पर गैम्बलिंग तब तक नहीं होगा अगर आपको यहाँ पर लॉजिक पता है कि कहाँ से कहाँ घूमेगा मार्केट, ठीक है। तो उसके लिए आप लोगों को मेरा कोर्स करना पड़ेगा, जहाँ जैसे मैं हम लोग कॉल वगैरह प्रोवाइड करते हैं एडुकेशनल पर्पस के लिए, कैसे FII को ट्रैप हम लोग समझते हैं, समझने के लिए उसके ऊपर बेस करके कैसे हम लोग कॉल वगैरह देते हैं ना देते हैं, सारे कुछ डिटेल्स आपको बताया जाएगा हम लोग ऑप्शन ट्रेडिंग एडवांस ऑप्शन ट्रेडिंग के कोर्स के अंदर, जो प्राइस बहुत ही कम है। हम लोग का ये 7 डेज का क्लास है, ऑनलाइन 7 डेज का क्लास होता है। आप लोग चाहे इंटरेस्टेड है तो डेफिनेटली आप लोग मेरे को कॉन्टैक्ट कर सकता है, ठीक है, व्हाट्सअप कर सकता है, डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अच्छा तो चलिए अभी हम लोग निफ्टी में देख लेते हैं निफ्टी का क्या व्यू हम लोग के लिए रहेगा। निफ्टी कहाँ गया, हाँ निफ्टी यहाँ पर है, तो निफ्टी का एक बार देख लीजिए। निफ्टी हम लोग ड्राइंग को रिमूव कर दे रहे एक बार, हम लोग जो ये ड्राइंग को, अच्छा पहले हम लोग इसको 1 आवर में शिफ्ट कर देते, ठीक है 1 आवर में शिफ्ट कर दिया। इसके बाद देखिए यहाँ पर थोड़ा छोटा कर देते हैं। जो जो ग्रुप नहीं ज्वाइन किया मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकता है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। देखिए यहाँ पर जो एक स्विंग हाई बनाया हुआ है, कौन सा हाई बनाया है, ये वाला हाई बनाया है, राइट, ये वाला एक स्विंग हाई आपको देखने को मिला है 90,483। तो इसके बाद देखिए और भी एक स्विंग हाई आपको देखने को मिल रहा है यहाँ पर, देखिए एक चीज देखिए यहाँ पर जो है स्विंग हाई बनाया है, उसके बाद ये वाला हाई बनाया है, ठीक है। तो मिनिमम इसका ऊपर जो ब्रेकआउट देगा, ध्यान में रखिए मिनिमम इसका ऊपर जो ब्रेकआउट देगा 90,630 निफ्टी में, ध्यान में रखिए निफ्टी में बाफर इसका ऊपर यानी 90,636 जो है इसका 20 पॉइंट बफर ऊपर रखिएगा, बैंक निफ्टी में 40 पॉइंट बफर ऊपर रखिएगा, ध्यान में रखिए नहीं तो आप ट्रैप हो सकते हैं। यानी 90,656 के ऊपर अगर कोई 1 आवर का कैंडल क्लोजिंग दे दे, ठीक है क्लोजिंग दे दे, तब जाके आप सीजाइड के लिए ट्रेड ले सकता है। निफ्टी के लिए 20 पॉइंट बफर, बैंक निफ्टी के लिए 40 पॉइंट बफर, ठीक है। बैंक निफ्टी में भी 1 आवर का कैंडल अगर जिस जगह में 1 आवर का कैंडल लास्ट स्विंग हाई बन रहा है उसका 40 पॉइंट अप में जाके अगर क्लोजिंग दे देगा तब जाके आप बुलिश व्यू बना सकते हैं, ये ध्यान में रखिए, ठीक है। अच्छा यहाँ पर देखिए जो एक ट्रेंड हम लोग को आ रहा है, एक डाउन ट्रेंड का जो दिशा हम लोग को देखने को मिल रहा है वो ये वाला है, ये देखिए ये आपको दिखाई दे रहा है, ये एक पिक्चर आपको दिखाई दे रहा है शायद, देखिए देखिए यहाँ पर एक्चुअली लिखा है कि बहुत सारा लोग होता है जो क्या करते हैं, ट्रेडर होता है जो ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट में ट्रेड करते हैं। तो काफी लोग होगा कि यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन खींचा था तो उसके बाद जैसे ये मतलब ब्रेकआउट दिया था, ध्यान में रखिए ये वाला ब्रेकआउट दिया था, काफी लोग क्या हुआ यहाँ पर बाई का पोजीशन बना लिया, यानी 9 अगस्त की मैं बात कर रहा हूँ, बाई का पोजीशन बना लिया। उसके बाद काफी लोग जो है उन लोगों को लगा कि भाई ब्रेकआउट तो ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट दे दिया तो रिटेस्ट करे उसके बाद हम लोग एंट्री ले, तो रिटेस्ट में काफी लोग एंट्री लिया तो सभी लोगों का एक बार लॉस हो गया, ध्यान में रखिए। तो हम लोग ऐसा गलती नहीं करना है, हम लोग को क्या करना है लास्ट स्विंग हाई देखना है, लास्ट स्विंग हाई का उसका अप में लास्ट स्विंग हाई जो लेवल हो रहा है उससे प्लस 20 पॉइंट का बफर देख के हम लोग को उसका बफर के ऊपर कोई 1 आवर का कैंडल क्लोजिंग देते तब जाके आप बुलिश व्यू बनेंगे, अदरवाइज नहीं। ये निफ्टी में के लिए 20 पॉइंट बफर, बैंक निफ्टी में 40 पॉइंट बफर, ये नोट करके रखिए, ठीक है। तो देखिए हर स्विंग हाई जो हम लोग के लिए बन रहा है उसको हम लोग एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींच देते हैं ताकि हम लोग क्या होगा काम के लिए आसान होगा। देखिए हर स्विंग हाई में हम लोग एक लाइन के ऐसे एनालाइज किया जाता है, ध्यान में रखिए पीयर प्राइस एक्शन हम लोग का काम कर रहा है। देखिए लास्ट स्विंग हाई, लास्ट स्विंग हाई, लास्ट स्विंग हाई, लास्ट स्विंग हाई, तो मैं क्या बोला 20 पॉइंट बफर, तो 20 पॉइंट बफर, तो ये 20 पॉइंट बफर देखिए 10 पॉइंट या 12 पॉइंट में ये क्लोजिंग दे रहा है तो हम लोग यहाँ पर एंट्री नहीं लेंगे भाई। 20 पॉइंट के ऊपर अगर कोई 1 आवर का कैंडल क्लोजिंग दे दे तब जाके हम लोग बुलिश व्यू बनाएंगे। तो देखिए यहाँ पर भी क्लोजिंग नहीं दिया तो नहीं करने का है, ठीक है। तो ये
देखिए यहाँ पर क्या है कि जब तक हम लोग को ये जो लेवल आपको देखने को मिल रहा है, ये कौन सा है, यह है आपका 90483, 90480 कौन सा है, ये है आपका 19482, राइट, 19482, ये वाला जो लेवल है 19482, ठीक है। तो 19482, 492, 19502, इसका ऊपर जब तक 1 आवर का कोई कैंडल क्लोजिंग ना दे दे, तब तक जाके हम लोग यहाँ पर बुलिश व्यू नहीं बनाएंगे। अगर इसके ऊपर 1 आवर का कैंडल क्लोजिंग दे दे तो आपको लगभग ये पॉइंट देखने को मिलेगा। वहां ध्यान में रखिए, ये वाला पॉइंट आपको देखने को मिलेगा, कितना पॉइंट, जितना पॉइंट आप साइड इतना गया था, लगभग आपका 200 पॉइंट का आप मूव देखने को मिलेगा। तो सबसे बेहतर तो भाई ये है ना, हम लोग ज्यादा बार बार ट्रेड क्यों करेंगे, बाई सेल बाई सेल। अगर इसका ऊपर ब्रेकआउट देते तो हम लोग का 200 पॉइंट मिलेगा, मिनिमम 219 पॉइंट नहीं मिलता है, 180 150 पॉइंट तो मिलेगा भाई, तो ये तो फायदा है। तो क्वांटिटी से ज्यादा क्वालिटी के ऊपर ट्रस्ट करिए, राइट। तो चलिए ये वाला हम लोग एनालिसिस होगा। अच्छा डाउन साइड के लिए देखिए, लोअलो बन रहा है यहाँ पर, लास्ट लोअलो को लोअलो एक्चुअल नहीं बनाया, हो सके इसको, अगर इसको एक्चुअल में डाउन ट्रेंड जाने का है तो ये क्या कर सके, इस ट्रेंड लाइन को सपोर्ट लेके वो क्या कर सकता है, फिर एक नया लो बना सकता है यहाँ पर, थोड़ा बहुत साइड वाइज होकर प्रीमियम डीके करके फिर एक नया लो बना सकता है, ये लोअलो के लिए प्रोबेबिलिटी है। तो उसके लिए क्या, उसके लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा, ये लो के देखिए, लो जब ब्रेक कर रहा है में, लो ब्रेक करने के बाद अगर आप एंट्री लेंगे तो हो सके ट्रैप हो जाए। क्यों ट्रैप हो जाए, क्योंकि जैसे लो को ब्रेक करना है, ये बात देखिए यहाँ पर, ये लो को ब्रेक, काफी लोग यहाँ पर आ गया सेल करने के लिए, ट्रैप कर दिया मार्केट ने, ट्रैप कर दिया, राइट। तो यहाँ पर आपको थोड़ा क्या बोलते हैं उसको, थोड़ा दिमाग से गेम को प्लानिंग करना पड़ेगा कि ये वाला जो सीनारी आपको देखने को, यानी यहाँ पर आपको पी साइड में, अगर आप यहाँ पर नीचे लेवल में अगर पी साइड में आप एंट्री लेने जाएंगे तो यहाँ पर हो सके आप ट्रैप हो जाए। तो कब तक आप ट्रैप नहीं होंगे, ध्यान में रखिए, कब तक ट्रैप नहीं होंगे, देखिए मैं क्या बोला आप लोगों को, क्या बोला था, 20 पॉइंट यहाँ पर कितना आया, यहाँ पर कितना बन रहा है, ये जो है ये कितने का, लो का कितने का है, लो बन रहा है यहाँ पर 296, यहाँ पर लो कितना बन रहा है, लो बन रहा है 296, हाँ यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो है एक्चुअल देखिए मैं क्या बोला, मैं एक इंटरेस्टिंग बात आप लोगों को बता दें कि 1 आवर का कैंडल का इसका 20 पॉइंट नीचे क्लोजिंग देना चाहिए। तो इसका देखिए, इसका 20 पॉइंट नीचे गया, ये इसका नीचे 20 पॉइंट मतलब होता है 77 के नीचे चला गया, तो भाई क्लोजिंग दे दो भाई, तब तो जाके हम बियरिश होंगे। ये भाई क्लोजिंग ही नहीं दिया तो हम लोग क्यों पी साइड में के लिए जाएंगे भाई, क्यों पी साइड में जाएंगे। अगर इसका नीचे क्लोजिंग दे देता, 20 पॉइंट बाफर लेके नीचे 20 पॉइंट बाफर लेकर क्लोजिंग दे देता, तब हम लोग जाके थोड़ा बहुत मार्केट प्रीमियम डीके पीके करते, थोड़ा बहुत रिटेस करें तो हम लोग वहां पर घुस जाते, राइट। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं किया, अगर यहाँ पर ऐसा करता तो ध्यान में रखिए, अगर यहाँ पर ऐसा करता तो बड़ा नीचे साइड में डाउनफॉल आ जाएगा, ये ध्यान में रखिए, सब कुछ रेडी रखिए, एक बड़ा डाउनफॉल आ जाएगा। अगर ऐसा कुछ सिनेरियो हुआ तो बड़ा डाउनफॉल आ जाएगा भाई, एक बल्ले बल्ले हो जाएगा, मालामाल हो जाओगे। देखिए बहुत बड़ा एक फॉल आ जाएगा, कितना फॉल आ जाएगा मैं आपको बता रहा हूँ, 300 से 400 पॉइंट का फॉल आ जाएगा, ये नोट करके रख लीजिए, 300 से 400 पॉइंट का फॉल आएगा, आ जाएगा, यानी लगभग ये आपको 18,800 या 900 तक जाने को देखने को मिल सकता है, ये नोट करके रख लीजिए, 300 से 500 पॉइंट के आसपास आपको यहाँ पर निफ्टी में देखने को मिल सकता है, ठीक है। और बैंक निफ्टी में जो आपको मैं बोला 400 से 500 जो बोला, वो हो सकता है 600-700 भी चला जाए, बड़ा एक मोमेंटम आपको देखने को मिलेगा अगर नीचे साइड ब्रेक किया तो, 1 आवर का कोई कैंडल क्लोज दे दिया तो, ठीक है। तो चलिए निफ्टी का भी एनालिसिस आप लोगों को बता दिया, उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छा लगा मेरा एनालिसिस, अगर लगा तो डेफिनेटली आप गाइस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, कमेंट करिए अगर है तो कमेंट करिए, और लाइक भी कर दीजिए। मिलते हैं लोगों के साथ को एक नया एनालिसिस वीडियो में।